आप ही को असर है भैया। किसको बुढ़ापा आ गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वन न्यू ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा यही आशा करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं सारे काम से फ्री हो गई हूँ। और अभी ना मेरे बच्चे आए हैं स्कूल से, तो बस मैं उन्हीं को खाना वगैरह दे रही थी। तो मेरे बच्चों ने खाना खा लिया है और खाना खा के देखो मैं आपको ना दिखाती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं अभी इस टाइम पर। ठीक है, तो ये देखिए कृष्णा खाना खा के फ्री हो गया है और देखो ये पढ़ाई हो रही है। कृष्णा क्यों कृष्णा? याद करना है। टेस्ट आ गए क्या? कब से? जनवरी में शायद। अच्छा, 16 तारीख जनवरी से है टेस्ट। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी। भगवान। हाँ देखो ये क्रिस बैठे हुए हैं, अभी बाहर का नजारा देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे क्रिस बैठे हुए हैं और बाहर की तरफ देख रहे हैं, धूप ले रहा है वो, क्योंकि उसको थोड़ी सी अभी सर्दी लग रही है, इस वजह से वो धूप में बैठा हुआ है। अरे आज पूरी नौटंकी कर रहा है। तो ये धूप में बैठे हुए और बस सर्दी लग रही है, स्वेटर पहन लो ना, सर्दी लग रही। तो धूप धूप पड़ रही है और कह रहे धूप नहीं है, धूप नहीं है। देखो कितनी अच्छी धूप आ रही है, हमें तो दूर दूर तक नहीं दिख रही। तुम्हें दूर दूर तक नहीं दिख रही, हमें पास से दिख रही है, तुम्हें दूर दूर तक नहीं दिख रही। थोड़ा आप ही को असर है। किसको बुढ़ापा आ गया? जो वीडियो बना रहा है। तो बच्चों से बातें करने के बाद अब मुझे पिलाना है अपनी गाय को पानी, क्योंकि अभी 3 बज रहे हैं तो गाय को पानी पिलाने का भी समय हो गया है। तो मैं जा रही हूँ अपनी चुनमुन और मुनमुन को पानी पिलाने के लिए, क्योंकि बेचारी को प्यास लगी होगी, काफ़ी टाइम हो गया आज तो। आपसे ना हो पाएगा जब मैं छोटा बच्चा था, मैं चड्डी में सुसू करता था। अब मैं जो बड़ा हो गया तो पेट में सूसू करता हूँ। हिंदी तेरी नजरों ने कुछ ऐसा ये ना दियो जी, बहुत देखो वही को दाओ सड़ा। चलो हटा दो बाल्टी। थोड़े ऊपर हो जाओ, शायद बेबी आपको चैनल देखती हैं। देखो फैन है आपकी। फैन है आपकी, फैन खींच गई खींच गई, इतने तो हम खींच ले लाखों। अच्छी है हमारे कपड़े जो अभी सूखे नहीं है, और आज थोड़ी धूप अच्छे से नहीं निकली, ये मैंने आज धोए थे, धूप नहीं निकली बिल्कुल भी अच्छे से। तो ये फर्जी यूट्यूबर एकदम है, इनके पास कुछ कंटेंट नहीं होता है तो ये कुछ भी कंटेंट बनाती हैं। तो क्या कर रहे हैं हम भाई, इनके पास कंटेंट की बहुत कमी है, इसलिए ये कपड़े हमने डाले थे और ये बताना चाहती हैं कि कपड़े इन्होंने डाले हैं। क्या अपना चेहरा दिखा सकती हैं कैमरे में? सही। हाई टू एवरीवन। फ्रैंक हो रहा है, फ्रैंक 3 आ गए हैं। कछु कमी ये टोल है ना भाई, ये जनवरी से खुल रहा, सुनने में आया है तू लंदन में रहती है, अभी जाके पहला टिकट कटा रहा। ये दिखा भी चटोरे, ये किसका होगा, ये कहीं किसका, ये दिखाओ तुम कोई रंग तो छोड़ कहीं नहीं। हाँ चटोरा। आपको पहले वीडियो खेत ही वालों है। हाँ, याद करो वो दिन जब आपके पास एक भी वो नहीं हुआ करते थे। क्या नहीं हुआ करते थे? हैं
सब्सक्राइब। गाइस हम आ गए अपने गेहूं के खेत में। तो अभी हमारे यहाँ जो गेहूं की जो फसल है ना बहुत छोटी छोटी है, तो मैं आपको ना पास से दिखाती हूँ कितनी छोटी छोटी पौधे। और खेतों में लगा हुआ है अभी पानी, तो मैं खेत के अंदर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा गीली हो जाऊँगी नीचे से। तो मैं आपको ना यहीं से दिखाती हूँ। तो देखो कितनी छोटी छोटी पौधे हैं अभी गेहूँ की। तो ये देखो ये कितना कितनी छोटी छोटी है अभी पौध, बहुत ज़्यादा। तो कुछ इस तरह हमारे खेत का पूरा व्यू। उधारी के खेत हैं। तो ये जस्ट कई तो ये खेत का हमारे मकान के जस्ट पीछे का है पूरा। इट्स कॉल्ड पीछे का। और खपा दो धना ना दिखाओ ये कजरा ने कैमरे से खा लो फिर साडा एनवेंग। यहाँ ये देखो ये धना लगा हुआ है, ये छोटा छोटा है अभी बहुत ज़्यादा छोटा है। ये धना का खेत है, यहाँ धना ही धना बुआ है। आधे खेत में गेहूँ आधे खेत में धना, और ये धना की पत्ती है इतनी छोटी छोटी। तो खा के देखती हूँ जरा। अच्छी खुशबू आती है धना की। सेंट लगा लो धना ही से बना लो सेंट। देसी धना है ये। अच्छी खुशबू आ रही है बढ़िया देसी धना। अब से हमको भी यही का आयुषी ऐसा बता मुझे। तो गाइस हम सब लोग हम आ गए हैं अब अपने मटर के खेत पे। तो देखो मटर का पौध कैसी होती है। ये देखो मटर के पेड़ में फूल भी आ गया छोटा सा, तो मुझे बैठ के बताना दिख रहा जूम है ये छोटा सा फूल। तो अब कुछ दिनों बाद इसमें अब मटर लगने वाली है। तो कुछ इस तरह का पेड़ होता है मटर का, ये देखो। अब जब मटर लगेगी ना जब मैं आपको दिखाऊंगी ये कुछ इस तरह का पेड़। ये पूरे खेत में मटर ही मटर लगी हुई है। देखो ये इसमें भी ये फूल आ गया, वाइट कलर का फूल आता है इसमें। चलो बीवी की भैंस में गाना आता जहाँ तो हमारे यहाँ हो गई है शाम। और शाम का व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है, काफ़ी अच्छा व्यू लगता है हमारे यहाँ का क्योंकि खेत लगे हुए हैं ना आसपास इस वजह से। और अभी मैंने आपको दिखाया मटर का खेत और गेहूं का खेत, और एक खेत में चना बुबे हैं बट वो तो हमारे घर से थोड़ा सा दूर है इस वजह से मैं वहाँ पर नहीं गई, और चना वाला खेत थोड़ा सा दूर है। तो गाइस कैसा लगा हमारे यहाँ का खेतों का व्यू, बहुत प्यारा बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। तो कमेंट्स में एक बार ज़रूर बताना। और ये देखो मेरे कपड़े अभी रख डले हुए हैं, अब मैं अपने कपड़ों को उठाऊँगी। और इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं अभी, उनको ना मुझे फोल्ड करके रखना है। और
तो फ्रेंड्स ये तो था हमारे खेतों का व्यू जो मैंने आप सबको दिखाया, और कौन से खेत में क्या क्या बोबा हुआ है वो भी मैंने आपको बताया। तो अभी ये फसल है छोटी छोटी, और जब ये फसल थोड़ी बड़ी सी हो जाएगी ना तब मैं आपको फिर से दिखाऊंगी ज़रूर। और अभी कुछ ज़्यादा ही छोटू है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अभी मटर के खेत में तो उसमें फूल भी आ गए हैं, और कुछ दिनों बाद अब मटर लगना स्टार्ट हो जाएगी, तो हम लोग फिर यहीं से तोड़ के ना खूब मटर खाया करेंगे। तो फिर हमारे यहाँ से ना मार्केट से मटर आना बंद हो जाती है, फिर हम लोग ना अपने ही खेतों की मटर यूज करते हैं और उसी को खाते हैं। तो गाइस कैसे लगा आज का ब्लॉग्स, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। देखो कैसा मौसम हो रहा है, एकदम धुंधला धुंधला सा। आज मॉर्निंग में सुबह ज़रूर बहुत तेज़ कोहरा लगने वाला है, बहुत तेज़, क्योंकि जब कोहरा लगता है ना तो कुछ नहीं दिखता, बहुत धुआं धुआं सा हो जाता है चारों तरफ, बहुत ही ज़्यादा। और सर्दी अब ज़्यादा बढ़ रही है, स्टार्ट हो रही है। आज तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली यहाँ पर, बिल्कुल हल्की हल्की सी धूप थी, कभी निकल आती फिर नहीं निकलती ऐसा। और अभी तो 3-4 दिन से काफ़ी अच्छी धूप हो रही थी, बट आज धूप नहीं निकली। और मौसम अब धीरे धीरे से बहुत ठंडा हो रहा है, क्योंकि अब संक्रांति आ रही है ना, इस वजह से, तो संक्रांति की वजह से मौसम और ज़्यादा सर्दी वाला हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो गाइस अब मैं जाती हूँ अंदर, और मेरे अभी बर्तन रखे हुए हैं तो मैं अपनी बर्तन वॉश करना है, और फिर शाम की मुझे मंदिर की पूजा भी करनी है, खाना बनाऊंगी, ये सब मेरे काम अभी डले हुए हैं, तो ये सब काम करना है। और आज पता है मेरा सबसे बड़ा काम मैंने फिनिश कर दिया, मैंने ना अपना गेहूं बना दिए, क्योंकि आटा ख़त्म होने वाला है कुछ दिनों बाद, तो गेहूं मैंने बना लिया। और गेहूं बनाना मुझे ना बहुत बहुत आलसी वाला काम लगता है, बहुत ज़्यादा, बड़ी मुश्किल में मैं गेहूँ बना पाती हूँ। और जिस दिन बैठती हूँ ना उस दिन ना बहुत मुझे इतनी दिक्कत आती है गेहूँ बनाने में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना मुझे एक तो ना सूपा चलाना नहीं आता, तो मैं ना अपने गेहूँ को नहीं फटक पाती हूँ, तो बस मैं ऐसे छलनी से छान के, और जितना भी कचड़ा रहता है गेहूँ में तो मैं उसको निकाल के फेंक देती हूँ, और बस कुछ इस तरह से मेरे गेहूँ बिनते हैं, और बस मैं उनको पिसा लेती हूँ। अभी तो धूप नहीं निकल रही है, और जब धूप निकलती है ना तो मैं उनको धो के आराम से छत पे सुखा लेती हूँ, और धोने के बाद फिर मैं उनको छान के फिर पिसा लेती हूँ। और फटकने का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि मुझको सूपा चलाना आता ही नहीं है। और तो इसी तरह से मैं अपने गेहूँ को बनाती हूँ और फिर उनको पिसवा लेती हूँ। और गर्मियों में तो क्या करती हूँ कि अपने गेहूँ को ना मैं धो लेती हूँ, धो धो के रख लेती हूँ, और बस फिर मैं उन्हीं को पिसाती रहती हूँ। पर अभी है ना वो जो मेरे धुले रखे थे वो ख़त्म हो गए, और तो मैं ऐसी छान के और उनको बीन के ऐसी पिसा लेती हूँ। तो अब क्या करूँ, जो आता है वो कर लेती हूँ, और जो नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। तो आज ना मेरा बहुत बड़ा काम मेरा फिनिश हो गया, सच में मेरे गेहूँ बन गए आज, और मैंने अपने लिए भी बना लिए, हम लोगों के खाने के, हम लोगों का जो है वो भी बना लिए, और हमारी जो गाय है ना उसके लिए भी मैंने बना लिए हैं, तो हमारी गाय भी खाती है, तो हमने गाय के लिए भी एक बोरी बना ली है, और एक बोरी हमने अपने लिए बना ली है। तो बस फ्री हो गए हम लोग एक महीने के लिए, और एक महीने के बाद फिर से मैं बनाऊँगी, तो इतना बना लेती हूँ, मतलब एक महीने चल जाता है हमारा स्टॉक बहुत आराम से। तो फ्रेंड्स अब मैं ऐसे अगर बातें करूँगी ना तो मुझे और ज़्यादा रात हो जाएगी, क्योंकि मुझे अभी काम भी बहुत ज़्यादा करने हैं। तो वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो अगर आज का ब्लॉग्स मेरा आप सब लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ एक बार लाइक कर देना और शेयर कर देना, और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू अगेन।